हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि ब्रेटॉन साइकिल के केस में मैक्सिमम वर्क क्या होता है, क्योंकि इसकी प्रीवियस क्लास में हमने ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो को डिराइव कर लिया था। और ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो कितना आया था? ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो आया था मैक्सिमम टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मिनिमम टेम्परेचर टू द पावर गामा अपॉन टू इंटू गामा माइनस वन। यह आया था ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो। आया था ये ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो। इस प्रेशर रेशियो पे वर्क कितना होगा ये देखते हैं। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड। हीट सप्लाई जब रखते हैं तो क्या रखते हैं? टी थ्री माइनस टी टू, ओके, माइनस टी फोर माइनस टी वन। ये है वर्क का फॉर्मूला, ओके। यहां पर टी वन और टी थ्री फिक्स है, टी टू और टी फोर निकालना है, ओके। तो अगर हम वन टू टू की बात करें, प्रोसेस वन टू टू में प्रेशर रेशियो क्या होगा? प्रेशर रेशियो P2 by P1, ओके, ये प्रेशर रेशियो है। इसको हम लिख सकते हैं T2 by T1 इज इक्वल टू प्रेशर रेशियो की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा, लिख सकते हैं, ओके। T2 by T1 इज इक्वल्स टू प्रेशर रेशियो की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। इस प्रेशर रेशियो को अगर हम निकालें तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? T2 by T1 to the power gamma upon gamma minus 1। कैसे आया ये? जब ये पावर इस तरफ जाती है तो रिवर्स हो जाती है, उल्ट पलट जाती है। देखिए, ये भी प्रेशर रेशियो की वैल्यू है, ये भी प्रेशर रेशियो की वैल्यू है। दोनों वैल्यू को हम इक्वल करते हैं, ओके, वन इज इक्वल टू टू। तो याद रहेगा टी मैक्स मतलब टी थ्री, टी मीन मतलब टी वन टू दी पावर गामा अपॉन टू इंटू गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू टी टू बाई टी वन टू दी पावर गामा अपॉन गामा माइनस वन। पावर्स देखिए सेम है, सिर्फ 1/2 अलग है, तो 1/2 हट जाएगा, ये दोनों पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/2 को छोड़ दिए। तो 1/2 का मतलब क्या है? अंडर रूट, और उसकी पावर में क्या है? गामा अपॉन गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 by T1 गामा अपॉन गामा माइनस वन। दोनों पावर्स को आप क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट। यहां से T2 की वैल्यू आ रही है, वो कितनी आ रही है? अंडर रूट T3 by T1 मल्टीप्लाइड बाय T1। इस T1 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट T1 अंडर रूट T1। तो अंडर रूट T1 ए अंडर रूट T1 से कैंसिल हो जाएगा। T2 कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ T1 इनटू T3। ओके, ये मैक्सिमम प्रेशर के करस्पॉन्डिंग, ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो करस्पॉन्डिंग T2 की वैल्यू है। तो T4 की वैल्यू कितनी होगी? T4 की वैल्यू भी देखिए, जब T2 अंडर रूट T1 बाय T3 है, अंडर रूट T1 इंटू T3 है, तो T4 भी इतना ही होगा, क्योंकि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्रेशर रेशियो 4 के केस में क्या होगा? 3 टू 4 के केस में, प्रेशर रेशियो 3 टू 4 के केस में देखिए, P3 बाय P4 प्रेशर रेशियो, इसको लिख सकते हैं T3 बाय T4 टू द पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा, ये लिख सकते हैं। तो आ जाएगा T3 बाय T4 इज इक्वल टू प्रेशर रेशियो गामा अपॉन गामा माइनस वन। सिमिलर ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, ओके। तो T3 by T4 ये भी प्रेशर रेशियो की वैल्यू है, ओके। ये भी प्रेशर रेशियो की है, T2 by T1 इज इक्वल टू प्रेशर रेशियो की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। यहां एक मिस्टेक हो गई, गामा माइनस वन अपॉन गामा, ठीक है। ये T3 by T4 इज इक्वल टू प्रेशर रेशियो की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। तो यहां से ये इस तरह से आएगा गामा माइनस वन अपॉन गामा, ओके। अब यहां से प्रेशर रेशियो की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो इसकी पावर में क्या चला जाएगा? गामा अपॉन गामा माइनस वन। ये प्रेशर रेशियो, ये प्रेशर रेशियो और ये प्रेशर रेशियो सेम है, तो इसको इक्वल करा दीजिए, तो आ जाएगा T3 by T4 टू दी पावर गामा अपॉन गामा माइनस वन इज इक्वल टू प्रेशर रेशियो, ये रख दीजिए, T3 upon T1 टू दी पावर गामा अपॉन गामा माइनस वन, अंडर रूट हो जाएगा ये, गामा अपॉन गामा माइनस वन। ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट।
तो टी फोर की वैल्यू टी वन के टर्म्स में कितनी आ रही है, टी फोर इज इक्वल टू टी फोर उस तरफ बाकी सब इस तरफ, टी थ्री मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ टी वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टी थ्री, तो टी थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, एक अंडर रूट बच जाएगा, तो अंडर रूट टी वन टी थ्री। तो इससे एक बात समझ में आई कि मैक्सिमम ऑप्टिमम प्रेशर पे टी टू और टी फोर की वैल्यू सेम होती है। तो यहां पर आ जाते हैं वापस, वर्क आपको मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम वर्क के लिए फॉर्मूला रख दीजिए सीपी, सीपी टी थ्री माइनस टी टू और टी फोर सेम है तो कोई भी एक लिख लीजिए, तो यह जगह टू टी टू माइनस माइनस प्लस, ओके। और टी टू की वैल्यू ये है, ये रख दीजिए, मैक्सिमम वर्क जो आ रहा है आपके पास कितना आ रहा है, सीपी टी थ्री माइनस टू इंटू अंडर रूट ऑफ टी वन अंडर रूट ऑफ टी थ्री प्लस टी वन। ये बेसिकली एक फॉर्मूला बन गया, कैसे देखिएगा ध्यान से बात, जो टी थ्री है उसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट टी थ्री का स्क्वायर, और जो टी वन है उसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट टी वन का स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम लगाएं तो मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, मैक्स की वैल्यू आ रही है अंडर रूट ऑफ टी थ्री माइनस अंडर रूट ऑफ टी वन का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम वर्क है जो आपको याद रखना है, ओके, ये पूछा जाता है, ओके। कैसे किया, इस मैक्सिमम वर्क को निकालने के लिए हमने क्या किया, टी थ्री को लिखा अंडर रूट टी थ्री का स्क्वायर, अंडर रूट टी थ्री का स्क्वायर मतलब टी थ्री, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, और टी वन को क्या लिखा अंडर रूट, ठीक है। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैंने अलग से लिख दिया, इसके बाद ये आया, ओके। तो अंडर रूट टी थ्री का स्क्वायर माइनस टू इंटू अंडर रूट टी थ्री अंडर रूट टी वन प्लस टी वन अंडर रूट टी वन का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम वर्क है, क्या ये मैक्सिमम वर्क किसकी करस्पॉन्डिंग, इस ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो के करस्पॉन्डिंग इतना वर्क आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, इफिशियंसी के फॉर्मूले में प्रेशर रेशियो को रख देंगे, ओके। अब हम थर्मल इफिशियंसी, मैक्सिमम थर्मल इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं। थर्मल इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था, वन माइनस वन अपॉन प्रेशर रेशियो की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो ये आया है, ओके, ये क्या है ऑप्टिमम, ऑप्टिमम प्रेशर, तो इसको यहां रख देते हैं, तो हमारे पास इफिशियंसी क्या होगी, मैक्सिमम मिलेगी, मैक्सिमम इफिशियंसी वन माइनस वन अपॉन प्रेशर रेशियो कितना है, टी मैक्स बाय टी मीन मतलब टी थ्री बाय टी वन टू दी पावर गामा अपॉन टू इंटू गामा माइनस वन, इसके पावर में क्या चल रहा है, गामा माइनस वन अपॉन गामा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ओके। तो इफिशियंसी मैक्सिमम कितनी आ रही, वन माइनस टी मिन ऊपर चला जाएगा, टी मिन बाय टी मैक्स वन अपॉन टू बच रहा है, वन अपॉन टू का मतलब क्या होता है अंडर रूट, ओके। तो ये फॉर्मूला आपका मैक्सिमम इफिशियंसी का है, ब्रेटॉन साइकिल की मैक्सिमम इफिशियंसी ये होती है टी मिन बाय टी मैक्स, ओके। देखिए ब्रेटॉन साइकिल का मैक्सिमम वर्क कितना आया है, मैक्सिमम वर्क आया है सीपी अंडर रूट टी थ्री माइनस अंडर रूट टी वन का होल स्क्वायर। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू सीपी टी मैक्स माइनस टी मिन का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, ब्रेटॉन साइकिल का, ओके, किसका, ब्रेटॉन साइकिल का। अगर आपको याद हो ऑटो साइकिल में भी हमने निकाला था मैक्सिमम वर्क, ऑटो साइकिल का मैक्सिमम वर्क कितना होगा, ऑटो साइकिल का मैक्सिमम वर्क होगा सीवी अंडर रूट ऑफ टी मैक्स माइनस अंडर रूट ऑफ टी मिन, सेम ही फॉर्मूला आ रहा है, फर्क सिर्फ सीपी और सीवी का है। आपको मालूम है कि सीपी की वैल्यू ज्यादा होती है किससे, सीवी, सीपी कितना होता है 1.005 और सीवी कितना होता है 0.718। अगर कंडीशन ऐसी दे दी जाए आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि देखिए ब्रेटॉन साइकिल और ऑटो साइकिल का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर सेम है, मिनिमम टेम्परेचर भी सेम है और मैक्सिमम टेम्परेचर भी सेम है, तब बताइए कि किसका वर्क ज्यादा होगा। तो सीपी ज्यादा है तो डेफिनेटली ब्रेटॉन का वर्क क्या होगा, ब्रेटॉन का वर्क
ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑटो साइकिल। ठीक है, ये कंडीशन कब के लिए? फॉर दी सेम टेम्परेचर लिमिट, फॉर दी सेम टेम्परेचर लिमिट। दोनों की टेम्परेचर लिमिट अगर सेम है, टी वन और टी थ्री क्या है, सेम है, तब ब्रेटॉन का वर्क ऑटो साइकिल के वर्क से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसकी इफिशियंसी को बढ़ाने के और भी कई तरीके अपनाए गए, जैसे कि रीजनरेशन, रीहीट एंड रीजनरेशन। ये सब क्या होता है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।